Ha ha ha. हाँ बेटा का, अभी तो मैं तेरी हाथों में, थोड़ी देर बाद तेरी मैं जाऊंगा, फिर वहां से जाऊंगा तेरी पेट में, फिर कर दूंगा तुझे बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते, पर नाम है माइक्रो। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कई बार हमारी फ्रेंड की तरह एक्ट करते हैं और कई बार फो की तरह। फो का मतलब दुश्मन की तरह, वो हमें हार्म पहुंचाते हैं और कई बार वो हमारे फ्रेंड की तरह काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हम अपने नेक्ड आइज में या अनएडेड आइज में नहीं देख सकते। नेक्ड आइज मतलब हम जो ये डायरेक्ट जो आइज हैं अपने, ठीक है, हम डायरेक्ट इनको नहीं देख सकते हैं, मतलब खुली आंखों से हम इनको नहीं देख सकते हैं। तो दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आईज। तो हम इनको कैसे देख सकते हैं? हम इनको माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग जो ग्लासेस हैं उनकी मदद से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको देख सकते हैं, और इन ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फोर ग्रुप के अंदर डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका एल्गी, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा ग्रुप है प्रोटोजोआ और चौथा है फंजाई। बच्चों, जो ये फंजाई होता है इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से प्रनाउंस किया जाता है। कई जगह पे इसको फंजाई बोला जाता है, ठीक है, और इंडिया में लगातार मतलब जो लगभग जो लोग हैं वो इसको फंगी बोलते हैं, कई लोग इसको फंगाई भी बोलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बैक्टीरिया। बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के भी होते हैं और बैक्टीरिया रॉड शेप के भी होते हैं। तो बैक्टीरिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में आपको ये दो नाम याद रखने हैं। सेकेंड है आपकी एल्गी। एल्गी भी आपकी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे दो नाम याद करने हैं। एक है क्लेमेटोमोनास, ये सिंगल सेल होती है, और दूसरा है स्पाइरोगाइरा, ये मल्टी सेलुलर होती है। दूसरा है प्रोटोजोआ, इसमें भी आपको दो नाम याद रखने हैं। एक है अमीबा और दूसरा है पैरामीशिया। तो आप देखते हैं अमीबा जो है उसका कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, और जो पैरामीशियम जो होता है वो एक चप्पल के शेप में। इसके बाद नेक्स्ट है फंजाई। इसमें जो सबसे पहला है वो है ब्रेड मोल्ड। आपने कभी कभी अपने घर में देखा होगा कि जो आपके घर का जो ब्रेड है या जो रोटी है वो जब स्पॉइल्ड हो जाता है तो उसके ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो क्या आपको पता है वो धब्बे क्या होते हैं? अगर आप उन धब्बों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, ओके, तो आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉल, जो कि आपके ब्रेड को स्पॉइल कर देता है। और उसके बाद है यही फंजाई का एक और एग्जांपल पैनिक सीड। उसके बाद है वायरस। तो आपको लगता होगा कि जो वायरसेस होते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन बच्चों ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। जो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता। इनको माइक्रोस्कोपिक इसलिए माना जाता है या इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये जो होते हैं ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते।
क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए कोई होस्ट सेल जो होती है उसकी जरूरत पड़ती है। तो बच्चों जो ये वायरसेस होते हैं दे रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल लाइक बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल सेल। बच्चों ये जो वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो कोई लिविंग सेल होती है ये उस पर अटैक करके, चाहे वो कोई बैक्टीरियल सेल होगी या कोई प्लांट सेल होगी, ठीक हो गया, तो ये क्या करते हैं उस पर अटैक करके, ठीक है, उसकी जो वो लिविंग सेल है उसकी एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे उस लिविंग सेल में जो एक्टिविटी जो होती है, जो उसकी लाइफ प्रोसेस चल रही है उसकी एक्टिविटी के हिसाब से क्या करते हैं ये अपनी जो नंबर्स हैं उनको बढ़ाते हैं। तो बच्चों जो ये वायरस होते हैं ये जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो ये क्या करते हैं जो अपनी संख्या होती है उसको बढ़ाते हैं। तो वायरसेस से होने वाली जो कुछ डिजीजेस होती हैं वो है इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। तो बच्चों जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक हो गया, ये सिंगल सेल भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे जो आपके बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो ये एल्गी, कुछ एल्गी जो होती हैं और कुछ फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, वेयर डू माइक्रोब्स लिव, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं। बच्चों जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये हर जगह पाए जाते हैं, कहीं पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं तो कहीं पर ये कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक आइस कोल्ड क्लाइमेट से और स्ट्रिक्ट तक जो जगह होती है वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं।